हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें इंग्लिश बोलने की, कि इंग्लिश बोलना फराटेदार आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है और बहुत ही इजी रास्ता है। अगर आप उसे आप रोज करते रहेंगे कुछ दिनों तक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिख के रखा है जो अपने ही बारे में है। आप ऐसा कीजिए कि आप अपने ही बारे में एक पैराग्राफ रोज लिखिए, कि मीन्स आप जो भी काम आपने रोज किया उसके बारे में लिखिए। कल आप क्या करेंगे उसके बारे में भी लिखिए, कल की प्लानिंग। कल आपने क्या किया उसके बारे में भी लिखिए। आज आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी लिखिए। ये सारा रोज का रोज एक पैराग्राफ लिखिए, सिर्फ एक पैराग्राफ, और इस तरह से आप एक नोटबुक में आप लिख डालिए। फिर लिखने के बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना शुरू कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इंग्लिश पढ़ के हिंदी अच्छी तरह से, उसके एक बार इंग्लिश बोलते चले जाइए, फिर बिना देखे बोलिए। फिर उसके बाद पहली बार में, दूसरी बार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर तीसरी चौथी बार आप जब बोल लेंगे तो आप धरा पर बोलने लग जाएंगे। फिर इसी तरह से रोज प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम इंग्लिश बनाते जाते हैं, किसी भी पैराग्राफ को हम इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, पहले आप ये देखिए। कल जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मुझे ललित मिला जो अस्पताल जा रहा था। ये सेंटेंस लंबा लगता है बट बहुत ही ईजी है बनाना। आपने सब कुछ सीख ही लिया है, बेसिक सिखा चुका हूँ, एडवांस कोर्स, एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स, सारा का सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। बस अब ये सब चीज़ें बाकी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि इंग्लिश लिखना पढ़ना तो आ गया, समझ भी लेते हैं, बट बोलने के लिए क्या करें, तो बोलने के लिए सब करना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक सेंटेंस इसको बनाते जाते हैं। कल तो यस्टरडे हम लिख देंगे, यस्टरडे। ओके, जब मैं बाजार जा रहा था, तो जब के लिए व्हेन होता है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, जब मैं बाजार जा रहा था, ये इसमें एक ही सेंटेंस में दो तीन सेंटेंस मिले हुए हैं। आपको ये समझना है कि कैसे किस सेंटेंस को बनाते जाना है। ठीक है, तो रास्ते में मुझे ललित मिला जो अस्पताल जा रहा था, तो व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट ललित मेट मी, ललित मेट मी, पास्ट इनफिनिट टेंस है, पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ललित मेट मी इन द वे, इन द वे, रास्ते में मुझे ललित मिला जो अस्पताल जा रहा था। तो जो के लिए पर हम हु लिखेंगे, हु क्लाउज वाला है, क्लाउज वाला सेंटेंसेस है, तो हु वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल। ओके फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, कितना इजी है ना। बस आप सेंटेंस लंबा देखकर आप ये घबरा मत जाओ कि अरे इतना लंबा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, तो बहुत इजी होता है। आप एक एक जो मेन मेन सेंटेंस है, इसमें एक ही सेंटेंस अगर लंबा होता है तो उसमें कई सारे सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाए जाते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आप पहचानो और उनको बनाते चले जाओ, बिल्कुल ईजी होता है। उसने मुझे एक बुक दी, उसने मुझे एक बुक दी, तो ही दी मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही गेव मी अ बुक। ओके, उसने मुझसे कहा कि इस किताब को पढ़ो, बहुत ही काम की बुक है ये। उसने मुझसे कहा, तो ही टोल्ड मी, हम यहां पर अब नरेशन का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे दैट नहीं लगेगा क्योंकि उसने मुझसे पढ़ने के लिए कहा, यह इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे दैट नहीं लगेगा। ही टोल्ड मी टू रीड दैट बुक। ओके, दैट बुक, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, पढ़ो बहुत ही काम की बुक है ये। He told me to read that book. It was very useful book. Okay, friends. अब यहाँ पर यह मत आप समझना कि यहाँ पर किताब बहुत ही काम की बुक है लिखा है, यहाँ पर हमने was लिखा था तो लिखा है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला है, हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। डायरेक्ट हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते जा रहे हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बुक देने के लिए उसका धन्यवाद किया, आई थैंक्ड
him. मैंने उसका धन्यवाद किया तो I thanked him for giving book. देने के लिए. Okay friends, उसका धन्यवाद किया और बाजार को चल पड़ा. और बाजार को चल पड़ा मतलब ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हो रहा है. And or means and marched. Sorry, यहां पे R छूट गया. M-A-R-C-H-E-D marched. And marched to the market. And यहां पर आप started to the market भी बोल सकते हैं. बट यहां पे स्टार्ट लिखना सही नहीं होगा क्योंकि हम पहले से ही चल पड़े हैं, रास्ते में रुके थे. तो मार्च मतलब चल पड़ा मतलब मार्च बोलते हैं हम उसको. तो मार्च टू द मार्केट. ओके, बाजार में मैंने कुछ सब्जियां खरीदी और कुछ फल भी खरीदे. तो इन द मार्केट या हम डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू करते हैं. आई बाउट BOUGHT आई बाउट सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. अब यहां पर फिर से सम लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. उसके बाद क्या किया, बस खरीदे फ्रूट्स. थोड़ी देर के बाद मैं घर आ गया. आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स आई केम टू हाउस. घर आ गया. उसके बाद घर पहुंचने के बाद मैं नहाया और रात का खाना खाने लगा. तो आफ्टर रीचिंग होम, हम यहां पर आफ्टर रीचिंग होम भी बोल सकते हैं या हैविंग रिच्ड होम भी बोल सकते हैं. दोनों हम बोल सकते हैं. तो हैविंग रिच्ड होम भी हम बोल सकते हैं घर पहुंचकर या पहुंचने के बाद. तो हैविंग रिच्ड होम आई टुक बाथ. अब यहां पर हम टुक बाथ भी बोल सकते हैं एंड आई हैड बाथ भी बोल सकते हैं. आई टुक बाथ एंड स्टार्टेड टू टेक डिनर. इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए, पैराग्राफ लिखिए. कुछ भी पैराग्राफ लिखो, अपने आप पर लिखते लिखते हो गया तो किसी और पे लिखो. एक पैराग्राफ लिखो, उसका आप इंग्लिश बनाओ. इंग्लिश बना के उसको आप रीड करो, एक बार एक दो बार रीड कर लो. फिर उसके बाद उस पैराग्राफ को देखे बगैर बोलो. और उसके बाद यहाँ पर हम हिंदी पढ़े बगैर, हिंदी पूरा पढ़े बगैर डायरेक्ट बनाते चले जाएंगे. यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई मेट ललित इन द वे हु वाज गोइंग टू हॉस्पिटल. ही गेव मी अ बुक. ही टोल्ड मी to read that book. It is very useful. It was very useful. I thanked him for giving the book and marched to the market. In the market, I bought some vegetables and fruits. After some times, I came to the house. Having reached the house, I took bath and started to take dinner. देखो, मैंने पूरा इंग्लिश पढ़ दिया. मैंने इधर देखा भी नहीं, हिंदी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी. ये कब होता है, जब आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे. रोज आप प्रैक्टिस रोज करते रहेंगे तो आप बिना हिंदी पूरा पढ़े आप डायरेक्ट इसका इंग्लिश बनाते जाएंगे. ठीक है ना फ्रेंड्स. कि कल जब मैं बाजार जा रहा था, इतना तो आप पढ़िए, एक नज़र में पढ़ी लेंगे. हिंदी इतनी कमज़ोर नहीं है. कि यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट इन द वे आई मेट. ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस होगी. फिर इसके बाद आप इंग्लिश को पढ़ो. पहले पैराग्राफ का इंग्लिश बना लिया, फिर इसको पढ़ो. यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट ललित मेट मी इन द वे हु वाज गोइंग टू हॉस्पिटल. ही गेव मी अ बुक. ही टोल्ड मी टू रीड दैट बुक. इट वाज वेरी यूजफुल बुक. आई थैंक्ड हिम फॉर गिविंग बुक एंड मार्च्ड टू द मार्केट. I bought some vegetables and fruits. After some times, I came to house. Having reached home, I took bath and started to take dinner. अब इसको पढ़ लो पूरा. ठीक है, उसके बाद आप बिना देखे बोलने की कोशिश करो कि कल क्या हुआ था मेरे साथ. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो. मैं यकीन दिलाता हूँ आप सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस करो ऐसे,
15 दिन के बाद आप 16वें दिन से आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करो, बोल बोल कर करो, बच्चों की तरह बोल बोल के करो, लाउडली करो। लाउडली आपको करने से आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।